नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल MNP नॉलेज स्कूल में। साथियों, आज हम जानेंगे LIC के जीवन लक्ष्य प्लान के बारे में, जो LIC का एक बहुत लोकप्रिय प्लान है। इसका टेबल नंबर 833 है और इस प्लान के बारे में हमारे चैनल पे कई कमेंट और कई मेल्स भी हमारे पास आते हैं और बहुत से लोग ये प्लान जानना चाहते हैं। इसके बारे में एक वीडियो पहले बन चुका है और आज मैं पुनः आपको इसके बारे में बता देता हूँ। जीवन लक्ष्य जो प्लान है उसको कन्यादान योजना या विवाह बंदोबस्त योजना या चाइल्ड एजुकेशन प्लान कई नामों से जाना जाता है, लेकिन इसका असली नाम जो है वो जीवन लक्ष्य है। साथियों, आइए जानते हैं इसके बारे में कि एग्जैक्टली ये प्लान है कैसा। ये LIC का सबसे अच्छे प्लान्स में से एक है और इस प्लान में न्यूनतम बीमा जो होता है वो 1,00,000 रुपये का होता है। अधिकतम बीमे का कोई लिमिट नहीं है। पॉलिसी का टर्म 13 से 25 साल है और प्रीमियम इसमें आप 10 साल से लेकर 22 साल के बीच में दे सकते हैं, यानी जो भी आप टर्म लेंगे उससे 3 साल कम आपको प्रीमियम जमा करना होता है। एग्जांपल के तौर पे अगर आप 13 वर्ष का टर्म लेते हैं तो प्रीमियम आपको 10 साल देना होगा। अगर 14 वर्ष का टर्म लेते हैं तो प्रीमियम आपको 11 साल देना होगा। ऐसा करते करते अगर आप 25 साल का टर्म लेते हैं तो प्रीमियम आपको 22 साल देना होगा। 18 साल से लेकर 50 साल तक के लोग ये पॉलिसी ले सकते हैं और मैक्सिमम मैच्योरिटी एज जो है वो 65 साल है, 65 ईयर्स है। इट मींस अगर 50 ईयर्स का कोई व्यक्ति है तो उसको मैक्सिमम हम 15 ईयर्स का ही टर्म, यानी 50 साल के व्यक्ति को 15 साल का ही टर्म दे सकते हैं, 15 साल से ऊपर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रिस्क कवरेज है वो 65 साल की एज तक ही है। मैच्योरिटी भी क्या मिलेगा, जितने की पॉलिसी है वो पैसा मिलेगा, उसके ऊपर एडिशनल बोनस मिलेगा, दोनों चीज़ें मिलती हैं। बीमा धन मिलेगा, इसका मतलब ये होता है कि जितने की पॉलिसी है उसके आम शब्द में बीमा धन या सम एश्योर्ड बोलते हैं। बोनस क्या होता है, LIC हर साल घोषणा करती है जिसकी गणना पर 1,000 होती है, जैसे 50 रुपीज़ पर 1,000, 55 रुपीज़ पर 1,000 या 60 रुपीज़ पर 1,000। वैसे इस पॉलिसी में भी बोनस का डिक्लेरेशन हर साल होता है। अंतिम अतिरिक्त बोनस, जिसको इंग्लिश में फाइनल एडिशनल बोनस बोलते हैं, FAB बोलते हैं, जब भी कोई पॉलिसी 15 ईयर्स या उससे ज़्यादा चलती है LIC की, तो LIC उस पर एडिशनल बोनस भी देती है जिसकी गणना कैलकुलेशन पर 1,000 होती है, जैसे कि 300 रुपये प्रति हज़ार, 450 रुपये प्रति हज़ार या 700 रुपये प्रति हज़ार, ये इस तरीके से FAB भी डिक्लेयर होता है। एक सवाल आपके मन में आएगा कि बोनस कैलकुलेट कैसे होता है। LIC हर साल बोनस डिक्लेयर करती है। बोनस का मतलब होता है कि कितने की पॉलिसी है उस पर कितना आपका बोनस है और उस पर जो है पॉलिसी कितने साल की है, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी का एग्जांपल लिया है तो 10 लाख की पॉलिसी में बोनस ऐसे निकालेंगे, 10 लाख रुपये इंटू 49 रुपीज़ इस पॉलिसी में बोनस है 25 साल के टर्म पे, और इंटू 25 यानी 12,50,000 रुपये जो है आपका 10 लाख की पॉलिसी में 25 साल के लिए बोनस निकल के आएगा, ठीक है। FAB कैसे निकालते हैं, जैसा बताया गया कि 15 साल या उससे ज़्यादा चली हुई पॉलिसी पे LIC FAB यानी फाइनल एडिशनल बोनस, हिंदी में अंतिम अतिरिक्त बोनस बोला जाता है, वो भी डिक्लेयर करती है। और अगर मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कोई पॉलिसी अगर आपने 25 साल की ली है तो 10 लाख की पॉलिसी में FAB निकालने का फॉर्मूला ये है, 10 लाख इंटू 450 डिवाइड बाई 1,000 यानी कि 4,50,000 रुपये। मैच्योरिटी पर क्या मिलता है, बोनस प्लस सम एश्योर्ड प्लस फाइनल एडिशनल बोनस, ठीक है। जैसे अगर आपने 10 लाख की पॉलिसी ली है तो ये मिलेगा, तीनों का एडिशन करके 10 लाख की पॉलिसी में 25 साल के बाद 27,00,000 रुपये मिल जाएंगे। ये बोनस निकालने का एक फार्मूला है, ये हर पॉलिसी में लागू होता है, ठीक है। इस पॉलिसी में डेथ बेनिफिट क्या है, देखिए मान लीजिए किसी की डेथ 25 साल के लिए आपने पॉलिसी ली थी और 25 साल के अंदर डेथ हो जाती है, तो पहली बात है कि आगे का प्रीमियम नहीं देना होगा, प्रीमियम माफ़ हो जाएगा और वो प्रीमियम LIC पे करेगी। और साथ ही साथ क्या होगा कि 10% सम एश्योर्ड का, अगर 10 लाख की पॉलिसी है तो 1,00,000 रुपये हर साल जो भी नॉमिनी होगा उसको 24वें साल तक LIC एनुअल इनकम के रूप में देती रहेगी, ठीक है। यही नहीं, 25 साल पूरा होने पे 27,00,000 रुपये का भी भुगतान कर देगी, जो मैच्योरिटी पे LIC ने वादा किया था, ठीक है। लाभ काफ़ी इसमें है, अगर मान लीजिए दुर्घटना से डेथ होती है तो इन सब चीज़ों के अलावा 10 लाख रुपए तुरंत नॉमिनी को मिल जाता है, ठीक है। टर्म राइडर एक शब्द है, इसमें क्या होता है कि एडिशनल बीमा लेना, यानी कि 10 लाख का अगर आप टर्म राइडर भी लेते हैं इस प्लान में, तो क्या होगा, नॉर्मल डेथ पे भी 10 लाख रुपए तुरंत, एक्सीडेंटल डेथ पे 20 लाख और सम एश्योर्ड का 10% मिलना ही है हर साल 24वें साल तक, और आगे का प्रीमियम माफ़ हो जाएगा और 25 साल पे 27,00,000 रुपये भी मिल जाएगा। यानी कि टर्म राइडर लेने पे एक एडिशनल बेनिफिट ये है कि आपका
थोड़ा सा रिस्क कवरेज बढ़ जाता है, नॉर्मल डेथ में भी 10 लाख रुपए तुरंत और एक्सीडेंटल डेथ में 20 लाख रुपए तुरंत मिल जाता है। चाहे तो आप टर्म मैटर ना लें, नहीं लेंगे तो आपको नॉर्मल डेथ पे कुछ नहीं मिलेगा तुरंत, बाकी फीचर्स तो ज्यों का त्यों रहेगा, एक्सीडेंटल डेथ पे 10 लाख मिलेगा। ठीक है, पॉलिसी आप ये बेटा हो या बेटी किसी के लिए ले सकते हैं, और जैसा बताया गया कि डेथ का टाइम तो कोई नहीं जानता है, लेकिन फाइनेंशियल जो लॉस होगा वो इस प्लान से आपका पूरा हो जाएगा। जो भी पैसा आप इसमें प्रीमियम देंगे 80C के तहत आपको छूट मिलेगी, और 1.5 लाख तक की लिमिट है इसमें, आपको 80C में इनकम टैक्स बचाने के लिए आप बचा सकते हैं। जो भी मैच्योरिटी पे या डेथ पे पैसा मिलेगा वो इनकम टैक्स के सेक्शन 1010D के तहत भी टैक्स से मुक्त रहेगा, टैक्स फ्री रहेगा। साथियों, ये तो था हमारा प्लान, मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा उसको लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, हम ऐसे वीडियोज़ लाते रहते हैं। अगली बार तक हैव अ नाइस डे, कीप स्माइलिंग। जय हिंद।